चाइना जो माल आ गया है वो लाइट बत्ती सब, इससे हम लोग का स्थिति थोड़ा डामाडोल हो गया है। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, पहले जैसा बिक्री नहीं हो रहा है। के लिए ले जाएं जिससे कि हम लोग का भी घर परिवार चल सके। दीपावली के त्योहार को विधि विधान और परंपरागत उत्साह के साथ मनाने की तैयारी गुमला जिले में भी चल रही है। गुमला जिले में दीपावली पर्व को लेकर चल रही तैयारी भी अंतिम दौर में पहुंच गई है। हर साल दीपावली पर्व के दौरान जिले भर के लगभग 250 कुम्हार परिवार 20 से 25 लाख मिट्टी के दिए और खिलौने तैयार करते हैं। इस साल भी कुम्हार समाज ने 20 से 25 लाख तक मिट्टी का दिया बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन चीन से आ रहे सस्ते सजावटी लाइटों की वजह से मिट्टी के दिए का कारोबार मंदा हो गया है। मिट्टी के दिए, मूर्ति और खिलौनों को गढ़ने वाले संतोष प्रजापति ने भी अपना दर्द साझा किया है। उन्होंने लोगों से चाइनीज सामान छोड़कर मिट्टी का दिया खरीदने की अपील की है। लोग दिया मिट्टी का बेचते हैं, बनाते हैं, और जो है कि 20 लाख दिया बना के हम लोग होलसेल कर देते थे पहले, लेकिन इस अभी का है कि चाइना जो माल आ गया है वो लाइट बत्ती सब, इससे हम लोग का स्थिति थोड़ा डामाडोल हो गया है। हम लोग का मिट्टी का दिया है, खिलौना बनाते हैं, सब का बिक्री ठप हो गया है। इससे हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाइना का माल अगर बंद हो जाता सामान सब, तो हम लोग का जो है बिक्री बढ़ जाता और बिक्री भी अच्छा होता, पैसा भी अच्छा कमाते। पर लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो रहा है सामान उमान बिक्री करने में, पहले जैसा बिक्री भी नहीं है, अब परिवार चलाने में भी मिट्टी का सामान में बहुत दिक्कत हो रहा है। वहीं चाइना से सस्ते माल के बाढ़ आने से कुम्हारों के परिवार के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। संगीता देवी ने बताया कि इस बार मिट्टी के दियों और मूर्ति की बिक्री पहले जैसी नहीं हो रही। उन्होंने चाइना से आने वाले दीपावली के सामान पर रोक लगाने की मांग सरकार से की है। थोड़ा ठप हो गया है, जो चाइना का माल आ गया है ना, तो इसीलिए थोड़ा ठप हो गया है बिक्री। तो अभी घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है, पहले जैसा बिक्री नहीं हो रहा है, अभी चलाना दिक्कतें है। दिया बनाते हैं और अभी खिलौना सब बनाते हैं, घोड़ा हाथी ग्वाल इन सब बनाते हैं। जैसा तो उतना नहीं है बिकता है, पर अभी अपना रोजी है तो करना ही है, करते हैं, अपना रोजी रोटी है तो। तो अभी आप देखिए रहे हैं, एक घंटा से खड़ा हुए हैं कि कोई ग्राहक नहीं आया है, पहले जैसा बिक्री नहीं हो रहा है, तो परिवार चलाने में दिक्कत हो रहा है, पहले जैसा बिक्री नहीं होता है। तो अब क्या बोले आप लोग को, ग्राहक सब नहीं आता है तो बिक्री नहीं होता है वैसा पहले जैसा। सरकार से यही मांग है हम लोग का कि चाइना माल बंद कर दे, थोड़ा बहुत बिक्री होगा, हम लोग का रोजी रोटी चलेगा, पहले जैसा नहीं चल रहा है कुछ साल से। वहीं पवन प्रजापति ने बताया कि 6 महीने की मेहनत से मिट्टी का दिया तैयार करते हैं, लेकिन चाइना से आए माल की वजह से उनका काम मंदा हो गया है। उन्होंने दीपावली के त्योहार में आम लोगों से मिट्टी के दिए खरीदने की अपील की है। यही दीपावली का भी तैयारी 6 महीना से चल रहा है, और बहुत पहले से मतलब 6 महीना से हम लोग इसको संभाल संभाल के इधर उधर प्लास्टिक से ढक के रखते हैं, और पहले जैसा अभी तो बिक्री भी नहीं है इसका, क्योंकि चाइना का माल भी आ गया है, इसलिए मिट्टी के दिए कोई लेने नहीं खोजता है। बहुत कोई मार्केट से चाइना का लाइट ही ले जाते हैं, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा घर और भी चलाने के लिए दिक्कत हो रहा है। और यही सब अभी तैयारी चल ही रहा है दीपावली सबका। और मैं कहना चाहूँगा चाइना का लाइट को बहुत कम मतलब नहीं के बराबर खरीदें, और मिट्टी के दिए ले जाएं जिससे कि हम लोग का भी घर परिवार चल सके, जिससे हम लोग का भी पेट चल सके, हम लोग दीपावली मना सके। दीपावली के त्योहार की खुशियों में आप कुम्हार भाइयों की चिंताओं का भी हल तलाशें, इसीलिए आपके खरीदे लोकल प्रोडक्ट से न जाने कितने परिवारों की दीपावली शुभ हो सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।